आज इन 70 करोड़ लोगों के जीवन पे खतरा मंडरा रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ऑनलाइन ट्रेडिंग भारत में केवल 100 कारपोरेट घराने ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, उनकी खरीद अरबों में होती है और एक आम व्यापारी की खरीद लाखों में होती है। ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ की खरीद हो गई, उनकी खरीद अरबों की होती है, पूरी फैक्ट्री का साल भर का माल खरीद लेते हैं। वो बड़े लोग हैं, अथाह पैसा है, हमारे व्यापारियों के पास अथाह पैसा नहीं है, इसलिए उनका माल सस्ता पड़ता है। जो माल उनको 8 रुपए का पड़ता है वो माल हमको खरीद में 10 रुपए का पड़ता है, इतना फर्क है, इसीलिए वो सस्ता बेच रहे हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बकरी और शेर की लड़ाई है, वो शेर हैं, हम बकरी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि 70 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पे रोक लगाएं और ऑनलाइन ट्रेडिंग को स्थगित करना, अन्यथा खुदरा व्यापार न होने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा और 70 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाने का काम करेगी। इसके अलावा हमारी कुछ मांगे और हैं जो सरकार को मान लेनी चाहिए और सरकार मान लेगी। पहली मांग तो ये है कि जो दुर्घटना बीमा माननीय मोदी जी ने 10 लाख रुपए का दिया है जीएसटी पंजीकृत व्यापारी को, वो बढ़ा के 25 लाख रुपए करना चाहिए। पेंशन जो 3 लाख रुपया महीना दी है उन्होंने, वो पेंशन बढ़ा के 40,000 रुपया करनी चाहिए। कितनी सर? 40,000 नहीं, दी कितनी है? 3,000। हाँ, 3 लाख कह दिया ना आप। 3 लाख रुपए से कह दिया, 3,000 है जी। 3,000 पर महीने के, 3,000 में तो नाश्ता भी नहीं होगा हमारा। अरे भाई, एक जीएसटी अधिकारी को जितनी पेंशन दे रहे हो उतनी पेंशन आप हमें दो ना, उससे कम पेंशन क्यों दे रहे हो? ये कितने साल बाद इसका क्या प्रावधान है, जो पेंशन देंगे व्यापारी को कितने साल बाद देंगे रिटायर? 40 साल में व्यापारी को अपने दुकान का मानधन योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर हर साल 100 रुपया 200 रुपया कुछ उसका अमाउंट रखा है उन्होंने, वो देना पड़ेगा। इसके बाद जब वो व्यापारी 60 साल का हो जाएगा तो सरकार उसको पेंशन देगी 3,000 का महीना। ये पेंशन मांगने का दृष्टिकोण एक है कि जो व्यापारी 18 साल से बैठ करके अपनी दुकान पे सरकार को लगातार 60 साल तक टैक्स दे रहा है, वो अपने परिवार में बहु बेटियों के ऊपर निर्भर न रह करके, बहु बेटों के ऊपर निर्भर न रह करके अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपना जीवन यापन कर सके, तो पेंशन होगी तो बेटे बहू भी उसको इज्जत देंगे और वो अपने पैरों पे खड़ा होकर जीवन यापन कर लेगा, अन्यथा वो कोने में पड़ा रहेगा, कोई इज्जत देगा नहीं उसको। सही बात, आज के समाज की जो स्थिति है वो यही है। तो इसलिए व्यापार मंडल चाहता है कि उनको पेंशन कम से कम 30,000 रुपया 40,000 रुपया महीना दिया जाए, जो जीएसटी विभाग के अधिकारी को आप पेंशन दे रहे हैं वही पेंशन आप उनको। यहाँ सर जो आपने मानधन योजना की बात कही, तो वो तो व्यापारी क्या, वो एक आम पब्लिक के लिए भी खुली है, एक मजदूर आदमी उसमें जो अंशदान आप बता रहे हैं 100 रुपये वाला, वो एक मजदूर उसमें अंशदान करके वो 3,000 वाली पेंशन प्राप्त कर सकता है जी। तो वो उसका कोई मतलब व्यापारी के लिए मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, वो तो वो भी प्राप्त कर सकता है, वो जनरल सामान्य बात है। हाँ, तो वो उसमें पा सकता है, हम तो अपने लिए अलग पेंशन मांग रहे हैं ना भाई, हमें अलग पेंशन दी जाए जी जी। जैसे आप अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को देते हैं उसी हिसाब से हमको पेंशन दी जानी चाहिए जी। हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बात को मानेगी, देर सवेर मानेगी। इसके अलावा हमारी कुछ मांगे और हैं। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो टैक्स देंगे सरकार को, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे टैक्स देंगे। तो इसलिए हमारी मांग है कि प्रत्येक व्यापारी का जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी है उसका 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए और जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है परंतु किसी भी विभाग का लाइसेंस ले रखा है तो उसका 5 लाख रुपए का किया। और ये बात मांग बहुत जायज है, दुकान लुटने, जलने या पानी में बहने पर
10 लाख रुपए का उसका बीमा किया गया। किसी व्यापारी की सामान्य मृत्यु हो जाए तो उसका 25 लाख रुपए का भरण पोषण किया जाए, भरण पोषण बीमा दिया जाए। सरकार अभी अपने मुलाजिमों को, अपने इंस्पेक्टरों को, अधिकारियों को 50 लाख रुपए का बीमा यूपी में मिल रहा है। 25 लाख रुपए का बीमा हमें कम से कम भरण पोषण का बीमा मिलना चाहिए। ये अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाए, सामान्य मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी को वो पैसा मिल सके और उसके गुजर बसर हो सके। आयकर देने वाले व्यापारियों को अन्य देशों की तरह, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और विभिन्न देश हैं, उनकी तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। उन देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क मिल रही है। आज अगर हमें अपने बच्चे को MBBS देहरादून में पढ़ाना है तो 50 लाख का डोनेशन, हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को। कोई सामान्य व्यापारी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। उसी तरीके से जैसे अब कैंसर हो जाए किसी को, तो कैंसर पे तो इतना पैसा खर्च हो जाता है कि आदमी तो खत्म हो जाता है। इतना पैसा बीमारी पे वो नहीं खर्च कर सकते। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और देशों के तरीके से, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, जिन देशों की आबादी 10 करोड़ की है वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री दे रहे हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जो आयकरदाता, आयकरदाता आप भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, आयकरदाताओं को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क दिया जाए। सरकार जो है शिक्षक क्षेत्र बनाकर 10 शिक्षकों को विधानसभा में भेजने का काम कर रही है। हमारी संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ कि व्यापारी क्षेत्र बनाया जाए और 25 व्यापारियों को चुन करके विधानसभा में भेजा जाए, जिससे 25 व्यापारियों को विधानसभा में भेजा जाए, क्योंकि हमारी संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा है। जब 22-10 शिक्षकों को भेज रहे हो, 25 व्यापारियों को भेज दो, सारे भाजपा के लोगों को भी भेजो, हम ये नहीं कहते कि दूसरे पार्टी के लोगों को भेज दो, पर भेज दो। अरे भाजपा के व्यापारी होंगे, हमारी बात तो सुनेंगे वो, हम उनसे कहेंगे तो हमारी बात मानेंगे। और इसके बाद जो ये ब्याज 18% लग रहा है, एक दिन लेट रिटर्न हो जाती है तो हमें 18% ब्याज करना पड़ता पूरे महीने, पूरे महीने। भाई हम FD बनवाने जाते हैं स्टेट बैंक में जो भारत सरकार की है, उसमें हमें 5.5% ब्याज देते हो, हमसे आप 18% लेते हो, ये कौन सा फार्मूला है? ये तो 25 साल पहले 18% लगता था, अब तो कितना कम हो गया है, ब्याज की दरें कितनी कम हो गई हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यदि आप हमें 5.5 देते हो तो आप हमसे 6 ले लो, 7 ले लो, भाई 18 का कोई औचित्य नहीं है। 18% ब्याज लेना ये लूट है, लूट, डकैती। इस डकैती को बंद किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। किस पे, GST पे है या इनकम टैक्स? नहीं 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 नहीं, GST का रिटर्न एक दिन लेट हो गया तो 18% ब्याज भरो, इनकम टैक्स का एक दिन रिटर्न लेट हो गया तो 18% ब्याज भरो, मंडी का अगर एक दिन लेट हो गया तो 18% ब्याज भरो, हाउस टैक्स एक दिन लेट हो गया तो 18% ब्याज भरो। 18% ब्याज कोई सरकारी रेवेन्यू बाकी है और वो लेट हो गया तो उस पर आपको 18% ब्याज देना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, ये भी आप समझ लीजिए। हम तो ब्याज की केवल बात करते हैं कि भैया इतना ब्याज मत लगाओ, 5.5 अगर दे रहे हो तो 6 लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, ज्यादा ज्यादा 18% लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल भी इन आर्थिक हालातों में 18% ब्याज का कोई औचित्य नहीं है। मांगे हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार इन मांगों को मानेगी और जरूर पूरा करेगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितनी भी मांगे मांगी हैं सरकार ने सब पूरी की, ये सब मांगे भी हमारी पूरी होंगी। इस पे आंदोलन की एक रूपरेखा आप तैयार की है? हाँ, हमने रूपरेखा तैयार की है कि 12 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर ऑनलाइन का हम पुतला दहन करेंगे और अगर तब तक सरकार ने नहीं माना तो 21 नवंबर को हम संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल करेंगे। अभी सरकार ने हमारी एक बात मान ली है जो इसमें लिखा नहीं है। हम कह रहे थे कि ऑनलाइन पे 10% का सेस लगाया जाए, तो GST के अलावा सेस, वो सरकार ने मान लिया। सरकार ने अभी GST के अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग पे 10% का सेस लगाया, ये हमारे व्यापार मंडल की जीत है। अब कम से कम हमारा उनका अंतर थोड़ा कम हो गया, अभी भी बहुत अंतर है,
25% का अंतर खरीद में और हमारी खरीद में, उनको 8 रुपए की चीज मिलेगी, हमको 10 रुपए की चीज मिलेगी। वो 8 रुपए की चीज 8.5 बेचेंगे और हमें 10 रुपए की चीज मिलेगी तो 10.5 बेचेंगे। 25% का रेट का फर्क है, तो ग्राहक को अगर 25% सस्ता मिलता है तो वो तो वही मान लेगा। तो इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा उनका कोई मुकाबला ही नहीं। ये तो सरकार रोक लगाएगी, नहीं तो 70 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, बहुत देश का बहुत आर्थिक नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शैली जी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी यूनियन प्रदेश? शैली जी पे गलत मुकदमा दर्ज हुआ है और हम लोग इसको खत्म करवाएंगे, सरकार से कहकर खत्म करवाएंगे, सरकार मानेगी इस बात को और सीतापुर में उस अधिकारी को भी ठीक करेंगे, समझाएंगे उसको। ठीक करने का मतलब कोई मारपीट करना नहीं है, समझाएंगे उसको कि भाई तुमने ऐसा मुकदमा क्यों लिखवाया और 5 महीने बाद लिखवाया। शैली जी को, शैली जी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर तो 50 मुकदमे हैं, मेरा बाल बांका नहीं हुआ तो इनका कैसे हो जाएगा? इनके तो बाल बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई इसके जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार चल रहा है, जिसको कुछ 100 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग कारपोरेट कराने कर रहे हैं, उससे देश का भविष्य बहुत अंधकार में है, व्यापार का भविष्य बहुत अंधकार में है और खुदरा व्यापार का तो भविष्य बहुत ही अंधकार में है। ये कारपोरेट घराने अरबों रुपए में माल परचेज करते हैं एक बार में, फैक्ट्रियों का साल भर का माल पूरा परचेज कर लेते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग बैंक से लोन लेकर के अपना व्यापार चलाते हैं, किसी अगल बगल के व्यापारी से माल उधार लेकर अपना व्यापार चलाते हैं, इसलिए ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापार बहुत संकट है। हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाए और खुदरा व्यापार में 70 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, रोजी रोटी